एक समय की बात है, एक लड़का सुनसान सड़क से अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और वो गाड़ी रोक देता है। और उस लड़की के पास जाता है और वो लड़का वापस अपनी गाड़ी से पानी लेकर आता है। वो उस लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उस लड़की को होश आ जाता है। आप कौन है? मेरा नाम ऋषभ है और मैं अपने घर जा रहा था, तो आप मुझे यहाँ रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। हाँ हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मेरा नाम निशा है, मैं अपने घर जा रही थी और मैं रास्ते में गिर पड़ी, मुझे कुछ पता नहीं। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। जी मैं चली जाऊंगी। देखो रात बहुत हो चुकी है और रास्ता भी ठीक नहीं है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। निशा उसके साथ चल देती है। ऋषभ घर पहुंचकर, निशा ये है मेरा घर और ये मेरी माँ है। माँ ये निशा है और ये मेरी छोटी बहन सपना है। बेटा ये तूने अच्छा किया जो इसे घर ले आया, वहाँ रास्ते में पता नहीं इसके साथ क्या होता। माँ निशा से पूछती है, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ जी मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये सुनकर ऋषभ की माँ को निशा के ऊपर दया आ जाती है और वो निशा से कहती है, अब से तुम यहीं रहना और अपने आप को कभी अनाथ मत कहना, अब से मुझे ही अपनी माँ समझना। निशा खुशी से रोते हुए, जी माँ जी। निशा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। रात भी बहुत हो चुकी है, अब तुम सब सो जाओ, मैं निशा को उसका कमरा दिखा देता हूँ। निशा ये तुम्हारा कमरा है। और ये कहकर ऋषभ सोने चला जाता है। रात को घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, तभी निशा अपने कमरे से निकलकर सपना के कमरे में जाती है। वो देखती है कि सपना गहरी नींद में सोई हुई है। वो सपना के पास जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो निशा नहीं, एक डरावनी चुड़ैल होती है और वो सपना के पास जाती है और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाकर खून पीने लगती है। तभी सपना की आंख खुल जाती है। सपना बुरी तरह चीखती है, चुड़ैल चुड़ैल मुझे छोड़ो। अभी कैसे छोड़ दूं? अभी तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी है, अभी तो मुझे तेरा गरम खून पीना है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तेरा खून पीऊंगी तभी तो मुझे ताकत मिलेगी। और चुड़ैल खून पीकर गायब हो जाती है। अगली सुबह, ऋषभ सपना निशा कहाँ रह गए? नाश्ता लग गया है, सब आ जाओ। ऋषभ आ जाता है। माँ ऋषभ से कहती है, देखना तो ये सपना कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। माँ मैं अभी देखता हूँ। तभी सपना भी आ जाती है। सपना आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। सपना मन ही मन सोचती है कि रात वाली बात माँ को बता देती हूँ, पर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी और सपना किसी से कुछ नहीं कहती। तभी, सपना तुम इतनी कमजोर सी कैसे लग रही हो और ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? कुछ नहीं माँ मैं ठीक हूँ, और गर्दन में कुछ चोट लग गई होगी। और सपना नाश्ता करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। आज सपना को क्या हुआ, इसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया और ठीक से बात भी नहीं की। माँ ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तभी, और कुछ नहीं। तुम हम सबकी ज्यादा चिंता करती हो ना, बस और कुछ नहीं। निशा तुम भी नाश्ता कर लो। माँ जी पहले आप कर लीजिए, मैं कर लूंगी, अब तो ये मेरा भी घर है। हाँ हाँ क्यों नहीं। दोपहर का समय है, माँ अपने घर के गार्डन में घूमने जाती है तो माँ की नज़र एक काली बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली माँ को देखकर उसके आगे पीछे घूमने लगती है। माँ बिल्ली को बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है, पूसी पूसी, और बिल्ली भी माँ के पैर चाटने लगती है। माँ बिल्ली को घर में ले आती है और निशा को आवाज लगाती है, निशा जरा इधर तो आना, देखो ये बिल्ली कितनी भूखी लगती है। अरे माँ जी ये बिल्ली आपको कहाँ से मिल गई? अरे मुझे ये गार्डन में मिली, मैंने इसका नाम पूसी रखा है, अच्छा है ना? अच्छा है। निशा तुम इसे दूध पिला दो, इसे भूख लगी है। और माँ ये कहकर चली जाती है। निशा पूसी को दूध पिला रही होती है। निशा पूसी को देखकर अपने असली रूप में आ जाती है।
बड़े दिनों बाद किसी का खून पीने को मिलेगा, आज पूसी का ही सही। पूसी चुड़ैल को देखकर म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगती है और तभी ऋषभ आ जाता है। चुड़ैल फिर निशा बन जाती है और पूसी निशा से छूटकर भाग जाती है। आज तो तू बच गई पर रात को नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही रात होती है निशा अपने कमरे में एक तांत्रिक पूजा कर रही होती है। उसने पूसी को भी पकड़ रखा होता है। वो अपने असली चुड़ैल रूप में होती है। वो बेहद डरावनी लग रही होती है और मंत्र जाप कर रही होती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। और वो जिंदा पूसी का खून पीने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं और जवान बन जाऊंगी और कभी नहीं मरूंगी। मैं अमर हो जाऊंगी बस अगली अमावस तक, और फिर मैं अमर, फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। अगली सुबह माँ अपने गार्डन में घूमने के लिए जाती है तो वो पूसी को मरा पड़ा हुआ देखकर बुरी तरह चीखती है। हाय मेरी पूसी, तुझे किसने मार डाला, हाय मेरी पूसी। और माँ पूसी को लेकर रोती है। माँ, किसी जानवर ने पूसी को मार डाला होगा। और निशा अंदर ही अंदर खुश होती है। माँ परेशान ना हो, अब होनी को कौन टाल सकता है, आप अंदर चलिए। और अगले दिन, निशा क्या बात है, आज तुम बदली बदली सी लग रही हो। निशा ये सुनकर थोड़ा डर जाती है और कहती है, मतलब? अरे डरो मत, मेरे कहने का मतलब है कि तुम आज पहले से भी ज्यादा कम उम्र की लग रही हो, तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निशा मन ही मन में, यही तो चाहती हूँ, सबसे खूबसूरत और जवान। और निशा मुस्कुराने लगती है। मैं खाना लगाती हूँ, तुम खाना खा लो। निशा ऋषभ की प्लेट में खाना निकाल कर देती है। ऋषभ खाना खाने लगता है। निशा जरा चाकू तो देना, सेब काटना है। ऋषभ सेब काट कर खा रहा होता है तो ऋषभ की उंगली कट जाती है, तो ऋषभ की उंगली से खून बहने लगता है। खून देखकर निशा बेचैन हो जाती है और ऋषभ की उंगली से टपक रहा खून पीने लगती है। निशा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और अपनी उंगली निशा से छुड़ा लेता है। ऋषभ निशा की ये हरकत देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। ये निशा को क्या हुआ, कितना अजीब सा बर्ताव कर रही थी। और जैसे ही रात होती है निशा को बेचैनी होने लगती है। निशा अपने कमरे में जाकर फिर तांत्रिक पूजा करने लगती है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। निशा जब पूजा कर रही होती है तभी ऋषभ की माँ पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। अरे इतनी रात में निशा के कमरे की लाइट कैसे जल रही है। और माँ निशा के कमरे के पास जाती है तो माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ देखती है कि निशा तांत्रिक पूजा कर रही है और वो निशा से चुड़ैल में बदल जाती है। वो खून से भरा एक लोटा उठाती है और पीने लगती है। ये सारा नजारा देखकर माँ की चीख निकल जाती है। चुड़ैल माँ को देख लेती है और माँ का गला पकड़ लेती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझे देख लिया, अब मैं तेरा गर्म खून पीऊंगी। मुझे जाने दे, मैंने तो तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह थी और तू मुझे मारना चाहती है। मुझे रहने के लिए घर की जरूरत थी और तेरे घर से अच्छी जगह मुझे और काम मिल सकती थी। और चुड़ैल माँ को गर्दन से कसकर पकड़ लेती है। मर गई रे, छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ऋषभ और सपना आ जाते हैं। माँ को चुड़ैल के हाथों में पकड़ा देख सपना तांत्रिक बाबा को लेने चली जाती है। चुड़ैल छोड़ मेरी माँ को, अभी तो मुझे गर्म खून पीना है, कैसे छोड़ दूं बुढ़िया को, पहले इसका खून पी लूं फिर तेरा पीऊंगी। छोड़ मेरी माँ को, मुझे तो तेरे ऊपर पहले ही शक था, अब तेरा खेल खत्म। चुड़ैल अपना लंबा हाथ करके ऋषभ को भी पकड़ लेती है। तभी सपना अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को लेकर आती है और कहती है, मुझे तो तेरे बारे में सब पहले से ही पता था, अब देख मैं तांत्रिक बाबा को लेकर आई हूँ, अब तेरा ये खेल खत्म। तांत्रिक बाबा अपने हाथ में लोटे से पानी लेकर मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल पर फेंकता है। जैसे ही मंत्र पढ़ा हुआ पानी चुड़ैल पर पड़ता है, चुड़ैल ऋषभ और माँ को छोड़ देती है। ए तांत्रिक, तू मारेगा मुझे, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तेरा खून पीकर तुझे भी मार डालूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये ले। तांत्रिक अपनी शक्तियों द्वारा त्रिशूल चुड़ैल के पेट में गाड़ देता है और चुड़ैल राग बनकर हवा में उड़ जाती है।